Very warm welcome to this session, my dear friends. This session mayam jabka Indian economy and Indian Financial System. Iska is Module C chapter twenty-three, which is Development Financial Institutions. Its topic क... पर डिस्कशन करने वाले हैं एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट्स ठीक है तो कैसे ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का uh, किस तरीके का बैकग्राउंड था कैसे uh, इनका डेवलपमेंट हुआ कैसे इनकी शुरुआत हुई ये सब हम डिस्कस करेंगे वॉटर डी ये सब हम देखेंगे इन दिस सेशन सो दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अर फाउंडेशन सीरीज जहां पर हम एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करते हैं एंड उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं तो दैट यू हैव एन कि किस तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा सकता है बिफोर मूविंग ahead let me just remind you if you are preparing for the june 2024 exam job exam then you should definitely consider our master course jahan par aapko charo ke charo subject se related important uh, and all the chapters theek hai inse related sare ke sare jo short videos hain yani ki पूरा chapter आपको पढ़ाया जा रहा है using short videos which you can watch in your breaks या फिर travel time में छोटे इन videos को आप complete कर सकते हो. Oh, along with that we have

अेल इंडिविजुअल आस्टर कोर्स ऑफ द कॉम्पोनेट उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इफ यू आर डूइंग इट राइट नाउ यू शुड डेफिनेटली कंसिडर जैब एटी फाइव कोर्स टू गेट परसेंट डिस्काउंट ऑन सम ऑफ़ समी कोर्स राइट सो लेटर लुक की कैसे कैसे ये डेवलपमेंट हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो डेवलपमेंट को फाइनेंस करने वाले इंस्टीट्यूशन को डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं एसेंशियली दीज इंस्टीट्यूशंस गिव मनी या फिर लोन्स विच आर यूज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन्स यूज किए जा रहे हैं एंड ये मेनली लॉन्ग टर्म के लोन्स है ये चीज आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करते हैं ये सब ठीक है इसके अलावा और भी इनके जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो होते हैं बट द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है तो इससे रिलेटेड कई सारे इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत की गई थी इनमें से कुछ की बात हम अभी कर रहे हैं सबसे पहले नाइनटीन में आई को लाया गया था विच इज द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आई एफ इसके बाद स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन तो सेंट्रल लेवल पर तो हम लेकर आ गए हैं इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए मेनली स्टेट लेवल पर किस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करेंगे तो दैट वाज टेकन अप बाय द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस तो इन्हें एक एक्ट के तहत एस्टेब्लिश किया गया था, था 1951 का एक्ट था ये एसएफसी एक्ट व्हिच इज स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस एक्ट ऑफ 1951 ठीक है तो स्टेट लेवल पर ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अब 1955 से 2021 इसके बीच में कई सारे डेवलपमेंट्स हुए फॉर एग्जांपल वी हैव द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1955 तो ये uh, जो कुछ आप नेम्स देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल ये आई आई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कब डेवलप हुआ या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ ये सब देन आईसीआईसीआई इम्पोर्टेंट है एल आई सी का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में री फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ फॉर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ठीक है तो ये नाइनटीन फिफ्टी एट में आया नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इट वॉज टेकन ओवर बा आई डी बी आई ठीक है इनिशियली एक गवर्नमेंट कंपनी बट देन आई डी बी आई ने इसे जो है ओवरटेक कर लिया अग्रीफ री फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ नाइनटीन सिक्सटी थ्री ये प्री uh, है ए आर डी सी आज के डेट में जो है उसका ठीक है एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन एंड नाबार्ड ठीक है नाबार्ड को ये, ये जो एस्टैब्लिश किया गया था सिक्सटी थ्री में इसके बाद नाबार्ड को लेकर आया गया ऑफ्टर रिप्लेसिंग दैट यू टी आई नाम का एक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया था आई डी बी आई को नाइनटीन सिक्सटी फोर में देन आई इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये आज में। में के डेट में आई इंस्टीट्यूशंस बी आई कहलाता है मेनली बैंक्स को कोई रेगुलेट कर सकता है कैसे? को ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी तो लोन दे रहे हैं जैसा काम कर रहे हैं तो उनको भी रेगुलेट करना जरूरी है तो आरबीआई के पावर्स को एक्सपैंड किया गया चैप्टर थ्री बी आरबीआई एक्ट में इंक्लूड किया गया इंस्टीट्यून का

ये एक्सिम uh, बैंक को एडीबीआई में से काव आउट किया गया द 1986 में सम नॉट सो इम्पोर्टेंट बट शिपिंग रिलेटेड पावर रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड डी एफ को एस्टैब्लिश किया गया ओके सम ऑफ देम आर नॉट इवन एग्जिस्टिंग टुडे बट या दे वर एस्टैब्लिश 1987, 88 में क्या डेवलपमेंट्स हुए थे एटी में रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी फाइनेंसिंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड वी हैड दीज डीएफआई एस्टैब्लिश एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये वाला इंपॉर्टेंट है नेशनल हाउसिंग बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में जो लेटर ऑन नेशनल हाउसिंग बैंक बन गया ठीक है आज के डेट में तो आ, इसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का रेगुलेटर भी बनाया गया था बीच में बट अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो कि हाउस हाँज, हाउसिंग जो रियल एस्टेट में फाइनेंस प्रोवाइड करने से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंटिटीज हैं इनको आज के डेट में आर रेगुलेट करता है ठीक है तो एन एच बी इन्हें रेगुलेट करता था एक समय में बट इसे अब आर बी आई रेगुलेट करने लगा है एंड एन एच बी सुपरवाइज करता है इन्हें ठीक है टोटल रेगुलेशन नहीं है बट सुपरविजन 1989-97 में नाइनटी सेवन में वीकेंसी एटी में टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सीट को एस्टैब्लिश किया गया था ठीक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई तो है बट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिटबी वॉज एस्टैब्लिस्ड आउट ऑफ आई 1997 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया ठीक है आईडीएफसी

के लिए आगे बढ़ना है। ये बढ़नाब्लिश किया गया था। तो व्हाट आर द टाइप्स टाइप्स ऑफ़ इनको चार मेन में क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक्स, यानी कि एस्टैब्लिश किया गया लेकिन आज के डेट में वो बैंक बन चुका है आई अ काइंड ऑफ बैंक ईसीआईसीआईसीआईसीआई नाब ये सारे जो है मेनली डेवलपमेंट बैंक्स के तरह आएंगे क्योंकि इनका मेन प्रोसेस uh, है टू प्रोवाइड लोन्स लोन्स लॉन्ग टर्म नाबार्ड टी एफ सी आई टी डी आई सी आई तो ये भी इंक्लूडेड है इन फाइनेंसिंग बट ये एक्सिम बैंक इन द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सेक्टर नाबार्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर टी एफ सी आई टी डी आईसीआई टेक्नोलॉजी टूरिज्म सेक्टर्स में देन देर आर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जो कि एल आई सी यू टी आई देटली बट ये इन्वेस्ट करते हैं इन द इंफ्रास्ट्रक्चर पैसे दे, uh, डालते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ताकि उससे जो भी प्रॉफिट होगा इनको मिले स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन क्या है स्टेट फाइनेंस कॉर्पोर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ठीक है आई होप दिस थिंग क्लियर नाउ द रोल ऑफ दिस रिक्वायर्ड टू बी चेंज बिकॉज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म लोन्स दे तो रहे थे लेकिन ये लॉन्ग टर्म लोन्स को सस्टेन करना बिजनेस अपना सस्टेन करना डिफिकल्ट था टेन ट्वेंटी ईयर्स के लिए आप लोन तो दे दो लेकिन ये वापस जब तक आएगा उससे पहले आपने जहां से भी पैसे लिए हैं बोरो किए हैं उनका पेमेंट आपको कर देना है सो so, दे तो ये चीज प्रमोट सही से नहीं कर पा रही थी तो टेन और बहुत हेल्प किया गया गवर्नमेंट आरबीआई एसएलआर टैक्स सेविंग बॉन्ड्स आईटी एक्ट में रिलैक्सेशन ई सी बीस सबके थ्रू वो अपना जो है रिसोर्सेज बिल्ड कर सकता था पैसा उठा सकता था फ्रॉम द मार्केट कंड इसके लिए एनवायरमेंट भी बनाया गया लेकिन लेटर ऑन नरसिमन कमेटी ने देखा कि दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर डी एफ आई फ्रो मेक देम यूनिवर्सल बैंक्स ठीक है। ऐसे जो कि हर तरह का एक्टिविटी स्पेसिफिक सेगमेंट को नहीं सेगमेंट को केटर तो करते हैं लेकिन सारे सेगमेंट्स को केटर करते हैं जिसको भी लोन्स चाहिए एडवांसेस चाहिए हर तरह के काम तो नरसिम्हन कमेटी 1998 में लाई गई एमरजेंस ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग ये आ, हुआ

So, I hope you enjoyed uh, the session. Let us answer a few questions. Which among the following is the first DFI established in India in 1948? Sara clue to question me. Industrial Finance Corporation of India is I, I, uh, IFCI, ICICI, Nabadia NHP. Okay? So, ICICI we know, 1955, NABAD 1981, 1988. Okay? तो ये 1948 में एस्टैब्लिश किया हुआ पहला DFI है सो ए विल बी द राइट आंसर नाउ दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज भी पूछी गई है इन द एग्जाम ICICI एग्जाम बैंक या LIC या फिर UTI ठीक है So let me know the answer in the comment section. Let's see who answers this right. If you have any other queries, you can always contact us on 8146207241. If you have to drop a mail at hello at the rate in. I hope you enjoyed the session. If you did, you can also let us know by dropping a mail at hello at the rate in. This is Surinder signing off. And this case, I would just uh, like to tell you that there are various other videos that we provide on our platform. So do like, share, subscribe. Uh, this particular channel and all the best for your preparation thank you jahan